चेरीज, शैंडलियर, विंडचाइम या फिर इन्वर्टेड कैंडल्स देखने में बहुत सुंदर लग रही है ना, तो चलिए घर पे ही बनाएं। कंस्ट्रक्शन में प्लंबिंग के दौरान मेरे प्लंबर भैया ने पाइप को इस तरीके से मोड़ दिया, उसके बाद काट के निकाल दिया और इसको वेस्टेज में फेंक दिया। अब इसको वेस्टेज में फेंक दिया कि उन्होंने हमारे लिए एक नया आइडिया क्रिएट कर दिया, तो चलिए इसका भी कुछ बना लेते हैं। कमाल है भाई, ऐसी डंडा मोड़ दिया, इसलिए ना मैंने ही पंजाबी क्लास में लस्सी पीना शुरू कर दिया। लीजिए भाई, अपने लोहे वाले भैया से कह के हमने इसमें देखिए ड्रिल भी करा लिया है। दोस्तों ये जो हमने बीच में छेद किया है ये इसलिए करवाया है ताकि अगर हमें बीच में कहीं बल्ब लगाना पड़े तो वैसे केस में हम लगा पाए। वैसे आप लोग ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक फटाफट से नजर मार लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली चीज है हमारी रस्सी। यहाँ पर हमने स्मूथ जूट वाली रस्सी ली है, ये आपको 20 रुपीज पर मीटर आराम से मिल जाती है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा फेविकोल या फिर मास्टर लॉक, साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी टेप, एक ट्रांसपेरेंट टेप, आप ट्रांसपेरेंट की जगह एक ग्लिटर वाली टेप भी यूज कर सकते हैं, इसका काम आगे आपको पता चल जाएगा। साथ ही में कटर, वायर्स को छीलने के लिए या फिर कोई भी कटिंग वगैरह करने के लिए भी। साथ में एक टेस्टर, ये हुक हमारे डंडे को सपोर्ट करने के लिए और उसके छोटे छोटे बेबीज हमारी वायर को सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगी वायर, आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, कोई नॉर्मल वायर यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। साथ ही साथ एक होल्डर, होल्डर आप ब्लैक ले सकते हैं या व्हाइट ले सकते हैं, वैसे विजिबल नहीं होगा तो इसीलिए आप ब्लैक वाले ही प्रेफर करें। और एक कैंडल लाइट बल्ब, ये जो होते हैं ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। नॉर्मल बल्ब आप ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं पर अगर ये लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हम अपने इन वाले हुक्स को किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले आप अपना हुक लेते हैं, उसे दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से लगा लेते हैं और फिर एक हथौड़े के मदद से आप इस वाली कील को और इस वाली कील को अंदर ठोक लेते हैं, तो इससे ये एकदम मजबूत हो जाता है और फिर ये जो आपका होल बनेगा इसके थ्रू आपका डंडा ऐसे स्लाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से आप ये छोटू को भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक कंसेप्ट देख लेते हैं जो कि इस लैंप को बनाते दौरान आपको हेल्प करने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा डंडा है वो ऐसे एकदम स्ट्रेट ना होके हल्का सा ऐसे झुका हुआ है। इस झुके होने की वजह से क्या होता है कि जब आप इसमें अपने बल्ब लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े से ऐसे अलग हो जाते हैं और ऐसे लटकने वाला लुक आता है। एकदम स्ट्रेट अगर होता तो ये इसके साथ साथ लग जाते और वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पे फेविकोल की मदद से अपनी स्मूथ जूट की रस्सी चिपका लेता हूं। तो दोस्तों रस्सी को लगा लेने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है कि आप जब रस्सी लगा रहे होंगे तो उस दौरान ये जो आपका छेद है इसमें आपको एक मार्क लगा लेना है, क्योंकि रस्सी के बीच में घुम जाएगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमने जो छेद है ये आप देख सकते हैं डंडे के पीछे वाले साइड कराया है, एग्जैक्टली पीछे भी नहीं, थोड़ा सा स्लांट में, ताकि अगर हमें इसे नॉर्मली भी कहीं लगाना हो तो हम इसे लगा पाए और ये आराम से छुप जाए। पर अगर हमें तार चाहिए और फिर भी इसे नहीं दिखाना है तो ये थोड़ा सा हिडन ही रहे और हमारी तार का भी निकलने का काम हो जाए। तो चलिए अब फेविकोल की मदद से मैं अपनी रस्सी को लगाना शुरू कर लेता हूं। जितना टाइट से टाइट होगा उतना टाइट से टाइट कर लें, और क्योंकि ये बहुत बड़ा और भारी डंडा है इसीलिए बैठ के तो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हीटर के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि अभी धूप भी नहीं निकली है, ठंड भी लग रही है और ये कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि करते करते हम इस छेद तक आ गए हैं, तो अब मैं ये गोल्डन टेप ले आया हूं ताकि ये दूर से ही ऐसे शाइनी शाइनी दिख जाए। तो अब मैं इसे लगा के अपनी रस्सी के बीच में सेट कर लेता हूं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर अपना मार्क मिल जाए। अब मैं आगे की भी रस्सी फेविकोल लगा लगा के कंप्लीट कर लेता हूं। चलिए अब बारी आती है अपनी हैंगिंग लाइट बनाने की। तो ये है मेरी 10 वॉट वाली छोटी ट्यूब लाइट्स। अब इसमें से ट्यूब लाइट तो आपके लिए, मुझे चाहिए इसके डब्बे। और ये है मेरे बर्थडे पे आए गिफ्ट्स के गिफ्ट रैपर्स। अब मैं या तो इन्हीं को यूज कर सकता हूं या फिर इनके जगह नए भी ले सकता हूं।
आप ऐसे प्लास्टिक वाले या फिर कुछ इस तरीके के पेपर वाले भी जरूर ले सकते हैं। अब करना बस इतना है कि इनसे इन डब्बों को गिफ्ट रैप करना है। आप लोग नॉर्मल गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज करने के जगह ब्रांड स्पेसिफिक जैसे कि होम सेंटर, सिंधीज या फिर गोपाल के गिफ्ट रैपिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं, मैं इसे अभी यूज नहीं करूंगा। तो काम शुरू कर लेने से पहले मैं अपनी ट्यूब का ये वाला हिस्सा निकाल के इसको अलग कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा होल्डर जाने वाला है। और फिर कवरिंग के लिए मैं या तो अपना कलर्ड वाला साइड यूज कर सकता हूं या तो व्हाइट वाला भी कर सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं अपनी छोटी छोटी सेलो टेप्स की पीसेस को एक डस्ट फ्री टेबल के साइड पे लगाता जा रहा हूं। इससे जब मैं गिफ्ट रैप करूंगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये तैयार हो चुका है। अब क्योंकि मेरा गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज था, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसे इवन ऑफ कर लिया अपनी कैंची की मदद से काट के। उसके बाद मैंने इसे एकदम खींच खींच के लगाया है ताकि इसमें कम से कम सिलवट आए। एंड आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छे से चिपक चुका है। अच्छे से सेलो टेप लगा के मैंने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एंड साथ ही साथ जिस साइड से खोला था वहां से मैंने अपने गिफ्ट रैपिंग पेपर को अंदर कर लिया है। दूसरे साइड से मैंने इसे खोला नहीं था, इसके फ्लैप्स भी लगे रहने दिए थे एंड ऊपर से मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर भी चढ़ा दिया। ये साइड मैंने बंद इसलिए रखी है ताकि जब मैं होल्डर लगाऊं और यहां से तार अंदर डालूं तब मेरी तार को एक सपोर्ट मिल जाए, और जब यहां से होल्डर बाहर निकलेगा तो ये ओपन ही रहेगा। तो लीजिए, हो गया। गोल्डन, पिंक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड सिल्वर कलर एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो आप भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करके अपने लैंप को और ज्यादा कलरफुल एंड सुंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये चलिए किसी और प्रोजेक्ट में। ये है कलर कंट्रास्ट दिन में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहां पर मैंने अपने नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस कर लिए हैं। तीन मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं ताकि मेरा लगाते हुए आसानी से हो जाए। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहां पर होल्डर लगा के रखे हुए हैं, पर इसे ऐसे लेवल पे लगाया है कि होल्डर विजिबल ना हो, सिर्फ हमारा बल्ब विजिबल हो। ये देखिए, ये हमारे होल्डर इसमें ऐसे लगे हुए हैं। अब हमें अपने जो कनेक्शन है उसको इसमें डाल के अपने मेन स्विच से कनेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, इसे अपने हुक्स के मदद से लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने डंडे को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। बाहर अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इसीलिए आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का मूव भी कर रहा है।
इससे इसमें बिल्कुल विंड चाइम वाला इफेक्ट आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि होल्डर हमने पूरी तरीके से यहाँ पर छुपा दिया है और जो बल्ब का लाइट वाला पोर्शन था सिर्फ उसको बाहर रखा है। इससे इसमें एक रेड बेरी बंच टाइप का लुक आ रहा है ना, यही मेरे पापा ने कल रात में बोला था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमने कवरिंग की थी उससे इसमें एक अलग से चार चांद लग गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं एंड बिना लाइट के भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। पीछे वाला जो होल था हमारे डंडे में वो हमने यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर बाद में हमें यहाँ पर कोई लाइट लगानी हो बीच में तो हम उस वाले को यूज कर सके और उसके लिए हमें रस्सी को हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी मार्किंग लगा ली है और साथ ही साथ उसमें होल भी पूरा डन है, तो इसीलिए इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। इसको आप यहाँ से जितना चाहे उतना नीचे लटका सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर ही रखा है ताकि आंधी चलने पे ज्यादा हिलने से टूट ना जाए, क्योंकि ये जो बल्ब है ये मेरे कांच के हैं, ठुकने से टूट सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके सारे कनेक्शंस कर लिए हैं एंड चलिए अब देखते हैं इसका नाइट लुक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आप इसे अलग अलग रख सकते हैं, एक साथ बंच में रख सकते हैं, एक लेवल पे रख सकते हैं या फिर डिफरेंट लेवल्स पे रख सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे है। यहाँ पर मैंने एक मिक्स सा दिया है, जैसे कि कुछ सेम लेवल पे, कुछ अप एंड डाउन और कुछ दूर और कुछ पास। इस डिजाइन के बारे में क्या ख्याल है? इस वीडियो में देखने वाले सभी डेकोर के आइटम्स मैंने घर पे ही किए हैं, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखिए। दोस्तों हमने इस लैंप को अपने सेमी आउटर एरिया में लगाया है, इसका मतलब कि यह हमारी सीढ़ियों के पास है। हमने इसे अंदर इसीलिए लगाया है ताकि आंधी पानी चलने पे ये किसी भी तरीके से खराब ना हो जाए, पर फिर भी हमारे जो पासर्स बाय हैं ये इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। तो अब है आपकी बारी, बना के एंजॉय कीजिए।